हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज मैं जा रही हूँ बुट्टो टाउन, जा रही हूँ मामू के साथ। खुली फिज़ा में हम जा रहे हैं ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सके और हम भी इंजॉय कर सके और बहुत सारा फ़न कर सके और खुले माहौल में ना थोड़ी देर के लिए हम बैठ सके। तो खाने पीने की चीज़ें मामू ने रास्ते में ना जगह जगह पर ले ली है और अब बच्चे और मैं उनके फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो आई होप मज़ा आएगा और हम इंजॉय करेंगे। तो चलिए हमारे साथ और हमारे साथ इंजॉय करें हमारी डेस्टिनेशन। तो चलिए जैसे ही हम पहुंचे बुट्टो टाउन, तो यहाँ पे हमें कुछ फीमेल्स मिल गई, झोंपड़े में रहते हैं ये सारे लोग और काफ़ी नीडेड थे। तो मेरे मामू ने सबको जो है पैसे दिए और बहुत सारी औरतें थी, मर्द थे और बच्चे थे, तो सबको मतलब हिस्सा उन्होंने किया और सबको पैसे दिए। काफ़ी लोग थे ये लोग और पूरे रास्ते ये बैठे हुए थे अपने झोंपड़ियों के आगे। तो बस अब हम जा रहे हैं आगे। तो ये मेरे मामू का बेटा सबसे छोटा वासिफ है ये, और यहाँ पे ना हमारी जिम्मी भी हैप्पी हैप्पी है मेरी मामू की बेटियों के साथ ना, ये काफ़ी खुश है और वो लोग भी इससे काफ़ी प्यार करते हैं। तो मेरे बच्चे इनके साथ ना बड़ा ही खुश होते हैं यहाँ। और यहाँ पे ये हम पहुँच गए थे, गाड़ी यहीं पे खड़ी थी और हम पहुँच गए थे और ये बिल्कुल खुली फिज़ा, कोई नहीं था, कोई रश नहीं, कोई शोर नहीं और बच्चे फुल मतलब मस्ती में और हैप्पी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब्बास, निदा और उनके सारे कज़न्स हम यहाँ पे खड़े हुए के, और फिर थोड़ी देर के बाद ना हम जाके बैठ भी गए। Thank you.
हमारा खाना वाना हो गया था, सबने चीज़ें खा ली थी, फिर यहाँ पे रेसिंग चल रही थी, तो बच्चों की रेसिंग चल रही थी और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो बारी बारी ना अब्बास की कोशिश थी कि वो जीते और फर्स्ट आए, लेकिन बस उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो इस वजह से ना वो सेकेंड ही आ रहा था बार बार। और चीज़ें हमने खा लिए हैं, आपने आप देख भी चुके होंगे जो हमने खाई थी चीज़ें। तो बस यहाँ पे जो है बच्चों की रेसिंग, और ये तो पूरा ओपन था, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे ना ये वाली चीज़ें बनी हुई थी, ऐसे ये फुल एक एरिया बंद हो गया था, तो यहाँ पे मस्जिद या कोई ख़ास जगह के लिए ये बनी हुई थी, सारे टाउन में जितने भी जगह थी प्लॉट्स थे यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे काफ़ी तक गए थे, सांस फूली हुई थी इनकी, और ये एक प्लांट हमें मिल गया था, तो ये देखें इसमें भी सब लगे हुए थे, अपना अपना हिस्सा इसमें मतलब डाल रहे थे, और पत्थर और सब कुछ तो ना एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। और ये देखिए ये चोंटी है और काफ़ी बड़ी थी, तो इस वजह से ना मैंने आप लोग को दिखा दी, मैंने कहा ये देखें इतनी बड़ी चोंटी है यहाँ पे। और मेरे मामू मेरे बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और ज़िमी इनके साथ बड़ा खुश है, ये देखें यहाँ पे ज़िमी खुश। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि फ़न सारा हो चुका है और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, तो अब हम वापस जा रहे हैं। और ये है पाकिस्तान पोस्ट कार्ड, तो इस टाइम जो है हम वापस जा रहे थे, ये वापसी का रास्ता था। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह से जो है मुझे सपोर्ट करते रहा करें और मेरी वीडियोज़ देखते रहा करें, ताकि जो है मैं आप लोग के लिए आपको लोगों को और अच्छी अच्छी जगह दिखा सकूं। और ये एक प्लांट था जिसमें ये फ्लावर थे, और बिल्कुल ये आर्टिफिशियल लग रहे थे लेकिन ये थे रियल। और इसी के साथ ये वाली चीज़ भी थी, बिल्कुल फ़िश की तरह थी ये देखिए बिल्कुल फ़िश के जैसे ऊपर से चमड़ा होता है, ये उसी तरह था, तो हमने खोल के आप लोग को दिखा दिया। तो ये देखिए जो बाहर के पर्पल प्लांट फ्लावर थे इनके, और अंदर से ये वाले बीज थे इसमें, और ये देखिए तो ये बड़ा सा प्लांट था। यहाँ पे भी हम खड़े हो के ना काफ़ी देर ना बैठे रहे और इंजॉय किया, बच्चों ने वहीं रेसिंग लगाई, और यहाँ पे प्लांट थोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर थे पर्पल कलर के, और इतने अच्छे बने थे ना, मुझे तो लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल है, इतने अच्छे से ये बने हुए थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी तरह से जो है मुझे वॉच करते रहा करें, और मुझे सपोर्ट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। और जिनको देखनी है कराची में और जगह, वो मुझे मैसेज करें, मैं दिखाऊंगी वो सारी जगह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।